Hello students, welcome to BBVN online classes and today's topic is letter writing. Letter writing जो है previous classes में भी हम पढ़ चुके हैं. एक small सा introduction देती हूँ कि what is letter writing, खत लिखना क्या है. An important channel of communication, किस चीज़ के लिए काम आता है communication. इंफॉर्मेशन के आदान प्रदान के लिए, यानी कि इंफॉर्मेशन लेने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए, तो अ काइंड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल, किनके बीच में, लोगों के बीच में, हु आर ज्योग्राफिकली डिस्टेंस फ्रॉम वन अनादर, जो कि क्या है, बहुत ज़्यादा ज्योग्राफिकली, यानी कि कोई एक जगह रहता है, कोई दूसरी जगह रहता है, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है. तो उस टाइम पर कम्युनिकेशन को जो है ईजी वे में बनाने के लिए, अपना मैसेज पहुंचाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, हम लेटर्स का यूज़ करते हैं. ठीक है, लेटर राइटिंग जो है वो मेनली टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, जो कि आप पहले ही पढ़ चुके हैं. वन इज़ फॉर्मल एंड द सेकंड वन इज़ इनफॉर्मल. फॉर्मल क्या होता है, जब हम किसी ऑफिस में खत लिखते हैं, यानी कि हमारी कोई कंप्लेन है, और मान लीजिए हमें किसी न्यूज़पेपर एडिटर को लिखना है, किसी कलेक्टर को लिखना है, किसी कंपनी के डायरेक्टर को लिखना है, तो जो ऑफिशियल या प्रोफेशनल वर्क जितने भी हैं उनको लिखने के लिए हम फॉर्मल लेटर्स जो हैं उसमें इनको काउंट करेंगे. और इनफॉर्मल का मतलब क्या है, इनफॉर्मल जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा फॉर्मल ना, सॉरी जहाँ पर आप फॉर्मल ना हो, अपोजिट हो गया ना, यानी कि हमारे जो रिलेशन में लोग हैं, जो हमारे परिचित लोग हैं, हमारे फ्रेंड्स वगैरह, हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, उनको लिखने के लिए हम इनफॉर्मल का यूज़ करते हैं. अब बात करते हैं कि एक लेटर को लिखने के लिए किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए. पहला है पर्पस. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम लेटर लिख रहे हैं तो उसका पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है. मान लीजिए कि अगर मैं एक फॉर्मल लेटर लिखूं तो मैं किस बेसिस पे लिख रही हूं, अगर न्यूज़पेपर एडिटर को लिख रही हूं या मेरे कंपनी के डायरेक्टर को लिख रही हूं, तो मेरा उसका पर्पस क्या है, कारण क्या है. ठीक है, सेकंड इज पर्सन टू होम इट इज़ एड्रेस. अब आपको ये पता होना चाहिए कि आप लेटर लिख किसको रहे हैं. ठीक है, यानी कि पर्सन टू होम इट इज़ एड्रेस, किसको आप लेटर लिख रहे हैं. द थर्ड इज टोन यू शुड अडॉप्ट, कि किस तरीके की आपकी टोन होनी चाहिए, यानी कि आपके वर्ड्स जो हैं वो किस तरीके के होने चाहिए. देखिए, फॉर्मल लिखेंगे तो हम क्यों है जो है शॉर्ट में बात करेंगे, फॉर्मल वे में बात करेंगे, कट टू. इनफॉर्मल की बात करेंगे तो हम बड़ी ही ईजी गोइंग वे में बात करेंगे, जस्ट चिल, आई एम हियर चिलिंग, व्हाट आर यू डूइंग, हाउ इज योर लाइफ गोइंग, इज इट ओके. ठीक है, ये सारे वर्ड्स हम इनफॉर्मल में यूज़ करेंगे, लेकिन ये चिल वर्ड हो गए, ये सारी चीज़ें हम फॉर्मल में तो करेंगे नहीं. ठीक है, सो टोन का हमें ध्यान रखना चाहिए. फिर है कंप्लीटनेस ऑफ द मैसेज. जो भी हम लेटर लिखें उसमें हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो भी मैसेज जो इस लेटर के थ्रू हम देना चाहते थे वो कंप्लीट है या नहीं. फिर है एक्शन रिक्वायर्ड. देखिए, एक्शन रिक्वायर्ड फॉर्मल और इनफॉर्मल में अलग अलग वे में है. कैसे, फॉर्मल में तो मान लीजिए अगर मेरा पर्पस है कि मैं उसको क्या कर रही हूं, अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट कर रही हूं अपने फ्रेंड को, तो मैं ये चाहूंगी कि वो जो है इस डेट को इतने बजे लोकेशन पर पहुंच जाए, तो ये एक्शन रिक्वायर्ड हो गया. और फॉर्मल में मैं कोई कंप्लेन कर रही हूँ तो मैं ये चाहूँगी कि जैसे कि कोविड जो सिचुएशन है वो ये है कि म्यूनसिपैलिटी वाले जो हैं वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, तो एक्शन रिक्वायर्ड क्या हो गया कि म्यूनसिपैलिटी के लोगों को बोला जाए कि भाई आप जाकर साफ सफाई का ध्यान दीजिए. ठीक है, तो हमें एक्शन जो हम ज़रूरी समझते हैं वो भी हमें इंक्लूड करना है. फिर है कंसेंस ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि हमारा लेटर बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए. हम दो दो तीन तीन पन्नों का लेटर लिख देते, पढ़ेगा कौन भाई, टाइम किसके पास में है, नहीं है. तो हमें अपना जो एक्सप्रेशन है जिस वे में हम लिख रहे हैं उसको शॉर्ट वे में ही लिखना चाहिए. सो दीज आर द मेन पार्ट जो कि हमें एक लेटर के लिखने से पहले पता होनी चाहिए, सो दैट इट इज़ गोइंग टू बी ईजी फॉर अस कि हम जो है एक लेटर लिख सकें. अब बात करते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल की. दोनों को लिखने का तरीका अलग है, दोनों की टोन अलग आएगी, दोनों की कंप्लीटनेस ऑफ द मैसेज अलग आएगा, फॉर्मेशन अलग आएंगी. तो बात करते हैं फॉर्मल की और इनफॉर्मल की. सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मल लेटर्स की. फॉर्मल लेटर्स जो कि क्या किए जाते हैं,
जो है हम फॉर्मले लिखते हैं, यानी कि ऑफिसर्स में लिखते हैं, किसी डिपार्टमेंट्स में लिखते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के हो चाहे वो प्राइवेट के हो, ठीक है। अब बात करते हैं आपके एग्ज़ाम के। एग्ज़ाम में जो लेटर है कंटेनिंग 5 to 6 मार्क्स, ठीक है, और किस वे में आते हैं, इस तरीके से आपको एक पूरा क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। दो जो है इसके साथ में आपको एक और ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, दो ऑप्शन रहते हैं, दोनों में से जो भी आपको अप्रोप्रिएट लगे या आपको अपने अकॉर्डिंगली सूटेबल लगे आप वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। अटेम्प्ट करने के टाइम पर सबसे पहले जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं या जिसके अकॉर्डिंगली क्या किया जाता है, मार्क्स देने का क्राइटेरिया क्या है, वो देखते हैं कि हमेशा जो है लेटर किस में लिखने चाहिए, पैराग्राफ में लिखने चाहिए, यानी कि जो मेन बॉडी ऑफ द लेटर है शुड बी इन पैराग्राफ्स। अगर आप पॉइंट्स में लिखते हैं, ठीक है, तो उसमें आपके हाफ मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट हो जाते हैं। देन ओपनिंग, हमेशा अपनी ओपनिंग जो है वो सही करनी चाहिए। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं किसी SHO को लिख रही हूँ, लोकल पुलिस को अगर लेटर लिख रही हूँ, तो मैं कैसे ओपन करूँगी, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, ठीक है, मैं क्या करना चाहती हूँ, आपकी अटेंशन खींचना चाहती हूँ, कहाँ पर, जहाँ पर मैं अपनी बात कह रही हूँ वहाँ पर, यानी कि टू द पॉइंट बात करनी चाहिए। फिर है रीज़न और सिचुएशन। उसके बाद में आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी लेटर आप लिख रहे हैं उसमें आपने रीज़न और सिचुएशन को बहुत अच्छे वे में एक्सप्लेन करना है इन शॉर्ट वर्ड्स, ठीक है, मिनिमम वर्ड यूज़ करने हैं, अपने रीज़न, अपनी सिचुएशन या जिस पर्पज़ के लिए आप लिख रहे हैं वो पर्पज़ आप एकदम अच्छे से जो है उसमें एक्सप्लेन करिए। फिर है रिक्वेस्ट, ठीक है, ये तो हो गया मेन ओपनिंग हो गई, फिर आपने रीज़न समझा दिया, तो दो पैराग्राफ आपके कंप्लीट हो चुके हैं। फिर आप एंड में क्या करिए, रिक्वेस्ट करिए, ठीक है, जिस भी मुद्दे पर आप लेटर लिख रहे हैं उसमें एंड में आप रिक्वेस्ट क्या करना चाहते हैं, आपका कंक्लूजन क्या है, तो आप अपनी रिक्वेस्ट लिखिए उसमें कि मैं ये चाहती हूँ या मेरे इस लेटर से ये जो है आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये काम इस तरीके से करवा दीजिए। और जो फिफ्थ पार्ट है दैट इज़ एक्यूरेसी, एक्यूरेसी ऑफ स्पेलिंग एंड एक्यूरेसी ऑफ ग्रामर ऑल्सो, उसके अकॉर्डिंग सो इन 5 बेसिस पर जो है आपको फॉर्मल लेटर या जो लेटर आप लिखते हैं उसके आपका मार्क्स का क्राइटेरिया डिसाइड होता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अपने इसके क्या है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या है, यू आर कौन है, आप हैं अपने स्कूल के स्पोर्ट्स कैप्टन, ठीक है, पहले आपकी डेजिग्नेशन आपको बता दी गई है कि आप कौन है, आप अपने स्कूल के कैप्टन हैं, ठीक है। यू आर ऑर्गेनाइजिंग द स्पोर्ट्स डे इन योर स्कूल, आप क्या कर रहे हैं, अपने स्कूल में एक स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ठीक है। राइट अ लेटर टू द डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, अपने डिस्ट्रिक्ट के जो डेप्यूटी कमिश्नर हैं उन्हें आपको खत लिखना है, उन्हें आपको लेटर लिखना है और रिक्वेस्ट क्या करनी है, रिक्वेस्टिंग हिम टू बी द चीफ गेस्ट ऑन दिस ओकेजन, ठीक है, और उन्हें रिक्वेस्ट क्या करनी है। तो हमारे पास में तीनों चीज़ें आ गई, पहले हमारा डेजिग्नेशन आ गया, ठीक है, पैराग्राफ में हमें लिख रहे हैं, दूसरी हमारी चीज़ क्या थी, ओपनिंग। अब ओपनिंग क्या है, दैट वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज द स्पोर्ट्स डे ऑफ योर आवर स्कूल, ठीक है। उसके बाद में आपको रिक्वेस्ट किसको करनी है, रिक्वेस्ट ये करनी है कि प्लीज़ बी द ऑनर ऑफ द चीफ गेस्ट ऑफ अवर स्कूल ऑन दिस ओकेजन, और आपको प्राइज डिस्ट्रीब्यूट तो करने ही करने हैं, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों का हमें यहाँ पर दे दिया गया है। अब बात करते हैं फॉर्मल लेटर का जो स्टार्ट करने का जो तरीका होता है, ओपनिंग का जो तरीका होता है, दैट इज डेफिनाइट, वो निश्चित है। तो सबसे पहले आपको सेंडर का एड्रेस लिखना है। अब यहाँ पर सेंडर कौन है, स्पोर्ट्स कैप्टन, ठीक है, तो आप अपनी डेजिग्नेशन लिख दीजिए या फिर जिस स्कूल से भी हैं तो आप लिखेंगे ABC स्कूल, ठीक है। अब स्कूल का नाम आ गया, अब वो स्कूल कहाँ की है, मान लीजिए लखनऊ की है, ठीक है, ये मेरा हो गया सेंडर का एड्रेस। उसके बाद में मुझे लिखनी है डेट, तो मैं क्या करूँगी, एक लाइन छोड़ दूँगी और उस लाइन के नीचे मैं डेट लिखूँगी। डेट हमेशा एक तरीका होता है, जैसे कि 17 June 2021, ये तरीका है तो यही तरीका रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में हमें बोला है रिसीवर्स डेजिग्नेशन, रिसीवर यानी जो इस खत को प्राप्त करेगा उसके डेजिग्नेशन यानी कि उसका पोस्ट क्या है, डेप्यूटी कमिश्नर, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं डेप्यूटी
कमिश्नर, ठीक है। उसके बाद में उसका एड्रेस, अब एड्रेस क्या है भाई उसका, आप कहाँ पर लिखना चाहते हैं, तो हम यही कर देते हैं डेप्यूटी कमिश्नर, ठीक है, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ कहाँ का हो गया है, लखनऊ का, ठीक है। उसके बाद में आप लिखेंगे एक लाइन पूरी छोड़ने के बाद में आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, इनविटेशन, इनविटेशन इन स्पोर्ट्स डे, इनविटेशन ऑफ स्पोर्ट्स डे, ठीक है। और उसके बाद में सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन में क्या होगा, अगर देखिए यहां पर हिम दिया हुआ है, इट मीन्स वो कोई सर होंगे, तो रेस्पेक्टेड सर लिखेंगे या फिर रेस्पेक्टेड मैडम लिखेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा हमेशा का ओपनिंग, सबसे पहले सेंडर का एड्रेस आएगा, फिर एक लाइन छोड़ के डेट, उसके बाद में जिसको भी आप लिख रहे हैं यानी कि जो इस लेटर को रिसीव करने वाला है उसकी सबसे पहले डेजिग्नेशन लिखिए। यहाँ पर हमें कोई भी एड्रेस नहीं दिया गया है इसलिए मैंने डायरेक्टली एड्रेस लिख दिया है, यहाँ पर लिखा है। अगर एड्रेस दिया हुआ रहे तो इसके बाद में आपको एड्रेस लिखना है, उसके बाद में आपको क्या करना है, अपना सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट शुड बी इन शॉर्ट, 2 to 5 words में आप अपना सब्जेक्ट क्या करिए, फुल्ली कंप्लीट कर दीजिए। और उसके बाद में सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन क्या होती है, सैल्यूटेशन मतलब आप उन्हें जो भी जिस भी चीज़ से करना चाहते हैं यानी कि रेस्पेक्टेड लिखना चाहते हैं, और सर लिखिए, मैडम लिखिए, ठीक है। उसके बाद में जो आती है मेन बॉडी, मेन बॉडी, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन या रीज़न देना है। रीज़न किस चीज़ का है, रीज़न ये है कि आप क्या कर रहे हैं, माय स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ स्पोर्ट्स डे, ठीक है, या फिर वी आर आवर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग अ स्पोर्ट्स डे, ये रीज़न हो गया। उसकी आप जो भी डिटेलिंग है वो लिख दीजिए। उसके बाद में आप क्या करिए, उसके बाद में आप जो हैं रीज़न लिख दीजिए आपने, उसके बाद में उसकी सारी चीज़ें लिख दी कि प्राइज विल बी गिवन, कौन कौन सी चीज़ें हमने कंडक्ट करी हैं, और अब हम जो हैं उस दिन हमारा क्या क्या प्रोग्राम रहेगा वो सब आपने लिखा। और जो है एंड में जो है फिर आपने ये बता दिया कि आपने रिक्वेस्ट कर दी है, आपको आपने रिक्वेस्ट की है उनसे कि वो आएँ और फिर क्या करें, इसका एक पार्ट बने और हम सबको ऑनर करें। और एंड में क्या करिए, एंड में वही इधर की साइड में ही जिधर आपने जो एड्रेस वगैरह लिखे हैं आप लिखिए थैंकिंग यू, फिर जो है आप अपनी पोस्ट लिख दीजिए थैंकिंग यू, योर सिंसियरली, ठीक है, अपनी पोस्ट, स्पोर्ट्स कैप्टन, ठीक है, और फिर अपना जो भी अपना एक्स वाई जेड आपका नाम है आप वो लिख दीजिए, और इस तरीके से अपने पूरे लेटर को कंप्लीट कर दीजिए। तो फॉर्मल लेटर लिख जो है वो मेनली ओपनिंग इस तरीके से की जाती है, एंडिंग इस तरीके से की जाती है, और मेन जो है ये जो बॉडी है इट शुड बी एक्यूरेट अकॉर्डिंग टू द स्पेलिंग्स, अकॉर्डिंग टू द ग्रामर। सो इन अवर नेक्स्ट वीडियो सेशन वी विल डू द इनफॉर्मल लेटर। थैंक यू।